ये मिट्टी हम लोग लाते हैं गडाप से, गडाप से मिट्टी लाते हैं, फिर उसको हम तैयार करते हैं। टेप जो बनते हैं, ये जो बनाते हैं वो हमारा चाक होता है घुमाने का, वो जो आपको बताता हूँ, वो जो है मसलन ये जो है इसको एक दिन ये बनाना पड़ता है, देखो ये साइज का बनाना पड़ता है, साइज को बनाना, इसकी लोड शेडिंग हो गई ना, इस वजह से मैं मिट्टी के चूल्हे बना रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? खैरियत ठीक ठाक है। अच्छा सर, आप मुझे बता सकते हैं आप कितने अरसे से आप लोग यहाँ पे ये काम कर रही है? ये काम में 60 साल हो गए। 60 साल, 15 साल की उम्र से मैंने ये काम शुरू किया। 15 साल से किससे सीखा आपने? मेरे वालिद साहब से। वालिद साहब से। अभी आप क्या करते हैं, मतलब ये पहले हम बर्तन बनाते थे, अभी वो की उम्र के तकाजे से हमने बर्तन का काम छोड़ दिया, अभी हमने बेचना हो। वो बर्तन पीतल, पीतल वाला बर्तन, पीतल से, पीतल पीतल से? हाँ नहीं, ये जो ये हाँ ये मिट्टी से। हाँ ये मतलब कहाँ से आप लोग लाते हैं इसको? ये मिट्टी हम लोग लाते हैं गडाप से, गडाप से, गडाप से मिट्टी लाते हैं, फिर उसको हम तैयार करते हैं, तैयार करते फिर ये हम बर्तन बनाते हैं। वहाँ कोई खास मतलब जमीन है कि मिट्टी की, मिट्टी की पैदावार होती है? एक मिट्टी आती है पहाड़ी की, मिट्टी आती है पहाड़ी की, एक आती है जमीन की मिट्टी आती है। सही। तो हम लोग पहाड़ी की मिट्टी इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग जमीन की मिट्टी और साफ सुथरी मिट्टी होती है वो इस्तेमाल करते हैं। इस मिट्टी में कोई केमिकल या इस तरह नहीं, कुछ भी कुछ नहीं मिलाना पड़ता, वो खालिश मिट्टी होती है। सही है, खालिश मिट्टी होती है उसी से हम। आपकी पैदाइश मतलब यहीं की? मेरी पैदाइश जो है इंडिया की है। अच्छा, 1949 में हम आए हैं यहाँ। आप बरकाल में उस वक्त छूटे थे? बिल्कुल, 2 साल की उम्र। 2 साल की उम्र, किस तरह आपको याद है कि किस तरह हुआ? मुझे अभी 2 साल की उम्र है, लेकिन वालदी ने बताया हो कि आप आते यहीं पे, मतलब काम हुई है मतलब इस लियारी में? हाँ, लियारी में काम, इसी जगह पे, मतलब इसी जगह। ये क्या कहलाता है? ये न्यू कुमार वाड़ा, न्यू कुमार वाड़ा लियारी। सही है। वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? जावेद भाई। जावेद भाई, आप क्या बना रहे हैं? ये मिट्टी का चूल्हा बना रहा हूँ। अच्छा। गैस की लोड शेडिंग हो गई ना। हाँ हाँ, इस वजह से मैं मिट्टी के चूल्हे बना रहा हूँ। अच्छा, तो ये मिट्टी कोई खास किस्म की मिट्टी है जो आप? हाँ, ये अब चुकी से आती है, दरिया सन की मिट्टी है। अच्छा, तो ये किस हिसाब से आप लोग लेते हैं? ये हम लोगों की 3000 रुपये की सुस्की आती है, इसको उतारते हैं हम लोग, फिर इसको पानी में भिगाते हैं हम लोग। सही, पानी में भिगा के ये अपना भूसा डालते हैं हम लोग, गाय का गोबर होता है ना, वो मिला के इसमें मिट्टी, जब तक ये भूसा नहीं मिलाएंगे हम लोग तो ये मिट्टी फट जाएगी। भूसा लाजमी है, भूसा लाजमी है, भूसा लाजमी है। तो आप किस कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? ये मेरे को हो गए 35 साल हो गए। अपने वालिद साहब से किसी से सीखा? ये मेरी, मैं अम्मी से सीखा ही। अच्छा, उसके मिरियम भाई नाम था उसका, उससे मैंने सीखा। तो ये आप इसको बना रहे, आप काम करें इस पे? हाँ। काम करते जाएं, आप बातें में होंगी और आप इस पे काम करते जाएं। सही। तो शुरू में आप जब बचपन में आपने किस तरह मतलब सीखा अपने वालिद से, आप उसके साथ बैठ के? मैंने 7 साल की उम्र में प्राइमरी स्कूल में दाखिल था। अच्छा। तो उसके बाद जो है हालात की वजह से, जो हालात नहीं थे मेरे वालिद साहब के, जो मैं मुझे पढ़ा सके या कर सके, मैंने पढ़ा नहीं। फिर उसके बाद मैंने ये छोटे मोटे ये काम करते गए, मेरे वाले साहब यही काम करते थे, तो मैंने उसके बाद जो है यही काम शुरू किया और 15 साल की उम्र में मैंने ये काम सीख लिया। सीख लिया। उसके साथ मेरे वाले साहब की उम्र भी बढ़ती जाती थी, उसके बाद जो है मैंने अपने वाले साहब का हाथ बताया मैंने। उस वक्त मतलब ये 50 का मेरे ख्याल में जमाना था, 1950 का जमाना था। हाँ, 1949-50। हाँ, किस तरह आप उस लियारी को किस तरह देखते थे? मतलब उस टाइम पे तो लियारी बहुत बेहतरीन होती। अच्छा। क्यों? तो उस टाइम पे सुकून था, कोई मसला नहीं था, कोई ऐसी चीजें नहीं थी। हाँ। अब जो है ये हालात ऐसे हो गए तो उसमें ये बहुत परेशान। मैंने सुना है कि उस वक्त मतलब यहाँ पे मतलब काफी दरख्ती भी होती थी। हाँ, काफी जंगल। हाँ बिल्कुल, ये तो अभी फ्लैटें हो गई, उस टाइम पे तो ये खुला जगह होता था, सिंगल मकाने होती थी, मिट्टी के मकाने होती थी। सही। ये बलोचों के मोहल्ले में वो लकड़ी का
मकाने होती थी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये लियारी नदी जो है मतलब इसके साथ मैंने सुना है कि यहाँ सब्जियाँ काश्त की जाती थी और ये पानी साफ होता था यहाँ के लिए। हाँ, बिल्कुल पानी ऐसा साफ ही। अभी जो है ये 25-30 साल से ये गंदगी हो गई है यहाँ। सही, बिल्कुल ऐसा साफ सुथरा पानी। हम लोग छोटे छोटे थे तो नहाने जाते थे नदी के अंदर, खुली जगह होती थी, साफ सुथरा पानी। ये जो अभी आपने इसका जो शेप बनाया, ये कोई कालेब है या कोई चीज है? सर इसके इसके आंडी जो ऊपर रखते हैं ना, उसके तीन पहिए होते हैं इसके। ये सही, तीन पहियों पे रहते हैं, यहाँ से लकड़ियाँ जलाते हैं हम लोग। सही, इसमें लकड़ियाँ जलाते हैं। ये टूटता नहीं है? नहीं टूटता नहीं, मजबूत हो जाता है। मजबूत है और आग मजीद मेरे ख्याल में ज्यादा रोटी भी पकती रहती है और चूल्हा भी साथ में पकता रहता है। कितने की बिकती है ये? 250-300 रुपए की बिकती है हम लोग। और मेहनत इसमें कितना है? मेहनत है इसमें समझो 100-150 रुपए बच जाते हैं इसमें से। ये चूल्हा अपने अपने साथ रखा हूँ। ये किस लिए चूल्हा? ये भी इसमें मिट्टी लगाऊंगा सर इसमें, वरना ये इसमें जंग लग जाएगा। अच्छा, इसमें आप मिट्टी लगाएंगे? इसके अंदर मिट्टी लगाऊंगा, उसमें खुशबू और ज्यादा आ जाती है, जायका आ जाता है इसमें, जैसे लज्जत आ जाती है। क्या कहलाता है इस मिट्टी का, कोई नाम है आप लोग? मतलब ये अलग है, व्हाइट मिट्टी कहलाते हैं हम लोग। व्हाइट मिट्टी है, पीली मिट्टी है, मिट्टी में भी हर किस्म है, एक मिट्टी की नहीं, लाल मिट्टी अलग। पहचान किस तरह होती है कि ये मिट्टी खास मिट्टी है कि इस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये अब जो किसी मिट्टी अलग होती है, दरिया सिंध की मिट्टी जो हैदराबाद से आती है वो अलग होती है। ये व्हाइट मिट्टी होती है इसकी, ये तो कोई व्हाइट मिट्टी का बना हुआ ना, ये व्हाइट मिट्टी अलग। कहाँ की मिट्टी ज्यादा मतलब? अपना पंजाब की मिट्टी की अच्छी है और अपना सिंध की मिट्टी अच्छी है। उसमें ककरी नहीं होती, कंकर होते हैं ना, वो नहीं होते, इसमें कंकर होते हैं। सही, सही। इसमें खाली तंदूर और मिट्टी के चूल्हे बन सकते हैं, मिट्टी के बर्तन वगैरह बर्तन नहीं बन सकते। ये जो आप बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पे, ये जो बर्तन वगैरह बेच रहे हैं आप लोग, आपस में रिश्तेदार हैं या? हाँ रिश्तेदार है सारे हम लोग, तो ये कहाँ कहाँ मतलब इसको सप्लाई करते हैं? कहाँ? ये बाहर एक्सपोर्ट होता है ज्यादा, तो दुबई एक्सपोर्ट हो जाए। अच्छा, दुबई तक भी ले जाते हैं? दुबई तक जाता है तंदूर वगैरह। तो रेलवे के ये काम मतलब कराची के अलावा पाकिस्तान में कहाँ कहाँ ज्यादा? कहाँ कहाँ ये दरिया है, अपना पंजाब में, अपना अब चौकी में, बलूचिस्तान में, ईरान में, ग्वादर में ले जाते हैं। हाँ, लेके जाते हैं। सही, यहाँ से लेके वहाँ पे सप्लाई करते हैं। सही। ये कितना टाइम लग जाता है आपको इसको बनाने में तकरीबन? इसमें 2 दिन लग जाते हैं। कितना? 2 दिन लग जाते हैं इसमें। अच्छा, इसको मिट्टी को भिगोने में, इसको तैयार होने में कितना टाइम लगता है? मिट्टी में तो 5 मिनट में हलवा हो जाती है। अच्छा, हाँ मिट्टी तो 5 मिनट में हलवा हो जाती है। तो ये जो बड़े बड़े मतलब ये दिख रहे हैं मुझे बनाए, इनके लिए कोई मशीन इस्तेमाल? की मिट्टी है नहीं, वो 4-5 दिन लगाती है। अच्छा, वो बड़े बड़े गंडे होते हैं ना, पिघलने में बहुत टाइम लगता है। हाँ। और ये चूरा है, ये बिल्कुल देखो बारीक है ना, इस वजह से ये 5 मिनट में हलवा हो जाती है, खाली डालो और निकालो। लेकिन वहाँ से जो आती है तो ये पत्थर की शक्ल में होती है? हाँ सही, ये पहाड़ की मिट्टी है जैसे। ये अब तैयार है तकरीबन? बस एक और लगाने पर तैयार हो जाएगा। सही, इसमें डिजाइन और बनाएंगे, जिस तरह मैंने इसमें डिजाइन बनाई है ना। हाँ हाँ, तो इस तरह ये भी डिजाइन की बनेगी। सही, ठीक है। ये आपने बनाई है? हाँ ठीक है, ये बहुत खूबसूरत बनाई है मैंने। हाँ, वाह वाह। इसमें 5 दिन लग गए मेरे को। कितने दिन? 5 दिन। 5 दिन लग गए। ये कम से कम 1000 रुपए का बिकना चाहिए मेरे हिसाब, मगर आदमी यहाँ पे रेट नहीं देते है। सही, हक नहीं देते आदमी, जैसे बोलते 200 देवे 300 देवे। आप देखो तो सही यार, कितने हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, आप लोग गैस चले जाते हैं लकड़ियों के लिए बैठे हुए, आपके खैर खिदमत में बैठे हुए हम लोग, मगर वो हिसाब किताब नहीं है। सही। बोलते वो सस्ता दे, कहाँ से सस्ता दे, सस्ता मिलेगा तो देंगे ना। आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो गया आपको तो पता है। सही बात, पहले आती थी 2000 रुपए की गाड़ी मिट्टी की आती थी, अभी 3000 रुपए कर दी है, क्या करे, मजबूरी में देना पड़ता है, तो काम धंधे नहीं है। हालांकि मैं चैन कंपनी का काम कर रहा हूँ, चैन कंपनी का काम नहीं है, स्पोर्ट बंद पड़ा हुआ है सारा, क्या करे, मजबूरी नहीं है, काम करना पड़ता है। आपके वालिद साहब का क्या नाम? कासिम। कासिम, आपका इसमें ग्रामीण? इब्राहिम। इब्राहिम साहब, अच्छा इब्राहिम साहब, ये जो आप वहाँ से मतलब लाते हैं गड्डाप से,
मतलब ये किसी कारखाने से बन के आती हैं ये चीजें या आप लोग खुद बनाते हैं? नहीं, कोई जगह वहाँ से खाली सिर्फ मिट्टी आती है। मिट्टी आती है ये गाड़ियों के अंदर, सही है, मजदा के अंदर, सुजुकियों के अंदर ये गाड़ी आती है, फिर उसको जो है वो हमारे पास मिट्टी लाती है, उसको हम तैयार करते हैं, मिट्टी को तैयार करके फिर ये हम लोग मारते हैं। इसके लिए कोई मशीनरी है ये तमाम चीजें? नहीं नहीं, बिल्कुल हाथ से, कोई चीज हर चीज मतलब हाथ से बनती है। ये शेप जो बनते हैं, ये जो बनाते हैं वो हमारा चाक होता है घुमाने का, वो जो आपको बताता हूँ वो आपको जहानाबाद में देखने पड़ेगा। जहानाबाद में मतलब फैक्ट्री है उधर जो है चाक, पहले हम खुद भी वही चाक चलाते थे सही हाथ से, सही तो उस पर हम लोग ये बर्तन बनाते हैं, बर्तन बना रहे फिर हाथ से ये बड़ा माल हम छिपाई करते हैं हाथ से छिपाई करते हैं। और ये रंग रोगन का काम भी आप? रंग रोगन का तो ये पक्का में भी होता है और कच्चे में भी हल्का फुल्का। और ये कहाँ कहाँ मतलब जाती, मैं देख रहा हूँ प्याले की शक्ल में, कटोरे की शक्ल में, कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? तो ये जो है वहाँ से हम लोग लाते हैं, तो फिर ये ग्राहक आते हैं हमारे पास, वो लेके जाते हैं, होटल वाले लेके जाते हैं, उसमें सालन मालन डालते हैं, कोई घर के इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं। अच्छा, ये मतलब आप पुराने ज़माने को देखते हैं कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती थी, आज नया ज़माना है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आई, ये उसी हिसाब से मतलब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इन चीज़ों को? नहीं, अभी जो है उसी हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले जो है ये बिल्कुल इसका काम ख़त्म हो गया था, फिर अभी जो है नया दौर आया है, तो फिर अभी जो है ये फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, वाह वाह वाह। तो मतलब ये कहाँ कहाँ से लोग ज्यादातर आते हैं? ये सिर्फ बलोच कम्युनिटी के लोग लेते हैं, दूसरे कम्युनिटी को भी? हर जबान के लोग लेते हैं, हर जबान के, यहाँ हर कौम के लेते हैं, क्यों ये इसमें पंजाबी भी आते हैं, पठान आते हैं, वो जो है पठान ज्यादातर ये प्लेटें लेते हैं, ये हंडिया लेते हैं, सालन मालन हर कौम अभी लेती है, ऐसी नहीं है कि अभी देखी को लेती है। तो आपको इतना अरसा गुजरा, तो आपने बच्चों को पढ़ाया है या इसी काम पे हो? बाबा अभी हालात हमारे ऐसे हैं कि हम अभी महंगाई का दौर है, ना बच्चों को सही पढ़ा सकते हैं, सही समझा नहीं, तो अभी ये हम जो इसी काम में पढ़े तो बच्चों को भी इसी काम में अपने। ये किस तरह आप लोग बेच रहे हैं, किलो के हिसाब से या इसका मतलब पीस के हिसाब से? पीस के हिसाब से ये मतलब एक पीस है, ये अभी मसलन एक पीस है हम लोग को पड़ता है ये 25 रुपए का, 25 हम लोग 30 का 35 का 5 रुपया 10 रुपये मुनाफे दिए, 25 का बिकता है। तो आपके अंदाजे में इसमें कितना मतलब मिट्टी इस्तेमाल की जाती है, मतलब ये 25 मतलब 10 रुपये 15 रुपये की मिट्टी इस्तेमाल की जाती है तकरीबन? 15 रुपये की मिट्टी आती है, 15 रुपये की मिट्टी आती है, 10 रुपया मेहनत का, मेहनत जाहिर सी बात है, आप लोग इतना मेहनत, 10 रुपये हम अपना मुनाफा रखते हैं। तो इसको सुखाने के लिए आप मतलब ये कि धूप पे रखते हैं? हां, धूप में रखना पड़ता है। और ये अंगीठी जो यहां आप लोग बनाती है, मेरे अंगीठी को भी 2 दिन लगता है, 2 दिन? अच्छा, इसको 2 दिन लग सकते हैं? तो किस तरह मतलब 2 दिन लगते हैं इसको? वो जो है मसलन ये जो है इसको 1 दिन ये बनाना पड़ता है, देखो ये साइज का बनाना पड़ता है, साइज को बनाना, हाँ एक हिस्सा ये बन गया, फिर इसको थोड़ा धूप में रखते हैं, धूप में रखते ये थोड़ा खुश्क होता है, तो उसके बाद ये इसका बन चाहिए। लेकिन ये लगता है जैसे आम मिट्टी जैसा है, लेकिन ये आम मिट्टी नहीं है मेरे ख्याल में? नहीं, आम मिट्टी नहीं, आम मिट्टी, आम मिट्टी नहीं है, ये मिट्टी का भी जगह देखनी पड़ती है कि कहाँ से मिट्टी पत्थर वाली होती है, कहाँ सही मिट्टी होती है, वहाँ भी। और वो खेलों के हिसाब से आप लोगों को देते? नहीं, वो गाड़ियों के हिसाब से, गाड़ियों के हिसाब से, तो मतलब सुजुकी कितने की एक आती है? 4000 की, 4000 की। और वो मिट्टी जो ये माल बनता है, ये शोपीस वगैरह बनते हैं, वो आती है 15000 रुपया गाड़ी सुजुकी, वही मिट्टी है। अभी ये मिट्टी आएगी वहाँ से ही आएगी, वो 4000 की आएगी, और वो मिट्टी आएगी 15000 की। अच्छा, 4000 की कहाँ की, मतलब क्यों, वजह क्या है? वो वजह ये है कि इस मिट्टी में जो है ना ये इतनी मेहनत नहीं होती है। अच्छा, इस मिट्टी में? इस मिट्टी, वो मिट्टी में मेहनत बहुत है, वो मिट्टी है, वो गंडो खाते मिट्टी मेरा पी सही। उसमें मतलब मेहनत क्या, उसको गुलाने में या इधर गुलाने में? ये दो है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी, हाँ जी, ये जमीन से निकलती है। अच्छा, ये पत्थर जैसा है, फिर इसको आप ग्राइंड करते हैं किस तरह? इसको तोड़ना पड़ता है ना, तोड़ना, हाथ से तोड़ते हैं। हाँ, तो इसको हथौड़ी है या कोई ऐसा पत्थर होता है उससे इसको तोड़ना पड़ता है, बिल्कुल बारीक करते हैं, बारीक करके फिर वो ऐसा खड्डा होता है बड़ा, थोड़ा सा खड्डा होता है, उसमें हम लोग डालते हैं, पानी डालते हैं, फिर ये आधा घंटा 2 घंटे के अंदर ये मुलायम हो जाती है, मक्खन जैसी मुलायम हो जाती है, फिर उसको हम बनाते हैं।
इसके अलावा मतलब ये मिट्टी मतलब इस काम के अलावा कहाँ कहाँ पे मतलब इस्तेमाल, जो मतलब स्टैचू बनाते हैं, बुत बनाते हैं लोगों के, यही मिट्टी, यही मिट्टी, मूर्तियाँ बनाते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं इसमें, यही मिट्टी चलती है, और आर्टिस्ट भी बनाते हैं ये मतलब सब इसी मिट्टी से। आपके खानदान में कोई ऐसा आर्टिस्ट है जो मतलब इस तरह की मतलब इस तरह का काम कर रहा है? हमारे खानदान में नहीं था, नहीं है, मगर हमारा दोस्त था, मगर उसका अभी 2 महीने से इंतकाल हो गया। वो इतना जबरदस्त आर्टिस्ट था कि अगर आपको सामने बैठाएंगे ना तो आपका तस्वीर जो है ऐसा मिट्टी का बनाएंगे, काफी जो काफी उसमें सांस नहीं होगा, बाकी आपका पूरा चेहरा जो है उसके हिसाब से बना, बिल्कुल इतना जबरदस्त कारीगर था। ग्वादर का नाम आपने सुना होगा, ग्वादर का, ग्वादर में मेरे एक दोस्त ने, हमारे एक दोस्त हैं आर्टिस्ट हैं ईरान के, हसन यादगार जाद है, उसने बलूची के एक बहुत ही नामवर शख्सियत के एक स्टैचू बनाया, वहाँ चौक पे इन्होंने मतलब लगाया, सैयद ज़ौशा लोग कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से इसको देखने आते हैं। तो मतलब इस तरह की मतलब वो जो आपका दोस्त था वो भी मतलब इस तरह की चीज़ बनाता था, वो हर एक काम जो है बनाता था, वैसा शोपीस बनाता था, ये दरख्त जो है ये बनाते थे, वाह वाह वाह, हर चीज का जो मास्टर था। सही, सही। ये मतलब काम का जो नमूना है या डिजाइन है, आप उस जमाने के बनिस्बत मतलब आज को देखते हैं तो इसमें डिजाइन में क्या किस किस चीज में फर्क आया है? फर्क तो अभी नहीं आया है, क्यों कि अभी वो जो चीज थे पहले की तो वो कारीगर थे बनाने, अभी इस काम में नई नस्ल है वो इसमें इंटरेस्ट कम लेती है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज्यादा है, काम में मेहनत बहुत है। तो हालांकि हमारे लड़के भी इसी काम में है मगर उसको हमने सिखाया नहीं है, क्योंकि हम बोला हमने जो काम किया है ये बच्चों से नहीं हो सकेगा, तो हमने इसको ये आज़ाद काम में रखा है, क्योंकि हम माल लेके आओ माल बेचो बस। इसमें जो है बनाने में करने में बहुत मेहनत होती है, आप अगर जाओगे ना वहाँ जहाँ माल बनता है आप देखोगे कि वहाँ बनाने में कितनी मेहनत है, फिर उसको सुखाना है, फिर उसको भट्टी में लगाना है, फिर उसको भट्टी से पका कर निकालना है, उसमें बहुत मेहनत है, इसीलिए हमने जो मेहनत की है हमारे बच्चों से नहीं हो सकेगी। ये एक पीस को बनाने में जिस तरह ये आम छोटा सा मटका है उसको बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? टाइम तो खैर 15-20 मिनट लगता है, मगर उसको तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, बनाने में तो कोई टाइम नहीं लगता है। उसको जो है ना पहले हम लोग बनाते हैं ऐसा, मसलन अगर मटका बनाते हैं तो पहले ऐसा मिट्टी लगा कर उस चाक के ऊपर जो घूमता है चाक, हाँ वो चाक के ऊपर मटका बनाते हैं हम छोटा सा, उसको फिर हम रख देते हैं, सुखाते हैं थोड़ा, सुखाते फिर उसको बनाते हैं हम लोग लकड़ी का ऐसा। मतलब फिलहाल अभी आपके पास चाक वगैरह नहीं, नहीं है हमारे पास, यहाँ कहीं भी मतलब बहुत सारे यहाँ वो सिर्फ वहाँ वहाँ जाना बात नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। History maker Baluchi।